आवाज बरसगीर, आपकी बात आपकी आवाज हम सबकी आवाज, आपकी मुश्किलात को दूर करने में आपकी मदद करना हमारा मिशन होगा। आवाज बरसगीर लेके आ रहा है आपके फोन कॉल्स पर मबनी प्रोग्राम आपकी बात आपके मसाइल। प्रोग्राम आपकी बात आपके मसाइल में आपकी मुश्किलात को मुतलका हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारे नंबर 8825022391। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ बरसगीर में आपका खैर मुकदम है और मैं हूँ आपका मेज़बान हिलाल लोन। प्रोग्राम आपकी बात आपके मसाइल लेकर हाजिर। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम आपकी फोन कॉल्स पर मबनी होता है। इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल करते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करवाते हैं, हम आपकी शिकायत को जानते हैं और जानने के बाद उनको मुतलका हुकाम की नोट्स में लेके आते हैं। आप हमें हर इतवार को कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8825022391। हर इतवार दिन के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत मुतलका हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन किराम, लेते हैं आज की पहली फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बरसगीर में आपका खैर मुकदम है। जी अपना नाम बताइए, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं मोहम्मद अशरफ नागरू सिरहामा अनंतनाग से। जी अशरफ साहब बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकायत है? जी सर, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो ये हमारे जो मोहल्ला है वनिंदर मोहल्ला, जिसको हम उमर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। तो वहाँ पे सर अगर पोल्स वहाँ पे है, लेकिन जो वहाँ की जो तारें गुजर रही है ना, वो बिजली के बिजली के खम्भों की बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर, जी जी जी। तो हम यही मांग करते हैं कि वहाँ पे तार अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे पिछली बार तो तार गिर गई थी। तो नीचे जो बच्चे जाते हैं मस्जिद की तरफ, यहाँ दरगाह की तरफ कुरान पढ़ने के लिए, जी जी जी, उनको खतरा रहता है। इसीलिए हम यही बताना चाहते हैं आवाज़ बरसगीर के माध्यम से, अगर ये जो हमारा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यही कहना चाहते हैं सर। ठीक है, आवाज़ बरसगीर से बात करने के लिए शुक्रिया। और बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पर बनेंदर मोहल्ला में एक और नया मोहल्ला है, वहाँ पे जो एक रोड है बहुत ही खराब, उसकी खस्ता हाली इतनी है कहने की बात ही नहीं। तो वो मसला भी हम पहुँचाना चाहते हैं अल्लाह हुकाम तक। बिल्कुल, आपकी बात जो है मुतलका, आपकी बात मुतलका हुकाम तक पहुँच रही है और हमारी भी कोशिश यही रहती है की आपके जो मसाइब मुश्किलात है जल्द अज जल्द हल हो जाए। आवाज़ बरसगीर से बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया सर। और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बरसगीर में आपका खैर मकदम है। जी अपना नाम बताइए, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रफीक। जी रफीक साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बीजगाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बताइए क्या शिकायत है? अच्छी शिकायत है, इस पॉइंट ये बादशाह बाग पे बराबर गुंडे नव रोज तम सिया खड़ा जबर अत्या जाम गरेशानी मडगुजार तम गई यल जी 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 जी, ये करना बंद मेहरबानी कर। कुलगन फोन कोर्मुत पे गई थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा गई दो चटान राम शाम वापस भरन मिल। जी हमने इससे पहले जो है SDM साहब से भी गुजारिश की थी और हम दोबारा उनसे गुजारिश करते हैं, आपकी शिकायत जो है हम मुतलका हुकाम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बात करें। सलाम वालेकुम, आवाज़ बरसगीर में आपका खैर मकदम है। जी अपना नाम बताइए, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम हिलाल अहमद है सर। जी हिलाल साहब बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं तहसील बीरवा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, गांव नाजन नाम है सर हमारा। जी जी जी, इससे पहले भी आपने एक बार शिकायत दर्ज की थी? हाँ सर, हमने इससे पहले भी इस प्रोग्राम के वसागत से एक शिकायत दर्ज की थी, जिसका अभी तक सर कुछ हुआ ही नहीं है। हमने आपकी बात जो है मुतलका हुकाम तक पहुंचाई थी, आप दोबारा अपनी शिकायत दर्ज कराई, हम दोबारा जो है मुतलका हुकाम तक आपकी बात लेके जाएंगे। सर आज हमारी शिकायत ये कि सर हमारा जो पावर का शेड्यूल है सर, जी जी जी, तो अपने शेड्यूल के हिसाब से तो कभी रहता ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो हम यहाँ से बहुत परेशान है, हमारा इलाका बहुत परेशान है। बीरवा का बीरवा हाँ, बीरवा नाजन सर, ये पूरा बीरवा एरिया आता है सर। हमने पिछले दिनों भी प्रोटेस्ट किया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था इसके बारे में जी, बट सर हमारे जो आला गुमराह है डस से मस नहीं होते सर। जी जी जी। तो सर आपकी वसागत से हम इन तक बात पहुंचाना चाहते हैं, आखिर अगर हम फीस देते हैं बराबर अपने ड्यू टाइम पे अपने बिल जमा करते हैं, सही बात, तो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती? तो सर इन्होंने फिर
ये बहाना बनाया था कि हमारा वो पूरा जो एक सिस्टम है पावर प्रोजेक्ट का सिस्टम, वहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था पिछले 2 सालों से सर। अच्छा, 2 सालों से? हाँ सर, तो वो इस साल लाया गया तो ये उसी का बहाना करके अभी तक उसको रेस्टोर नहीं करते हैं सर। अच्छा, तो ये अपना पावर जो है सर भेजते हैं प्राइवेट एजेंसियों को, लेकिन हम सर बहुत परेशान है, हमारे लाइट नहीं रहते, हमने प्राइवेट सोलर खरीदने पड़ते हैं, गरीबों को लोन निकाल के सोलर सिस्टम खरीदने पड़े, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम सर बहुत परेशान। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी बात जो है मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाएंगे। आवाज बरसगी से बात करने के लिए शुक्रिया। ये कॉलर जो हम ये भी कॉल कर रहे थे हिलाल साहब, ये बीरवा नाजन से बात कर रहे थे, हुआ तो इनका अभी जो कहना था कि वो यही था कि वो बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने कटौती का शेड्यूल जो बना के रखा है कि अगर गवर्नमेंट उसी हिसाब से हमें बिजली फराहम करती, प्रोवाइड करती तो भी ठीक था इन सर्दी के अय्याम में, बट गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है, गवर्नमेंट का जो कटौती शेड्यूल है वो सिर्फ ऑन पेपर्स है एंड ऑन ग्राउंड उसकी कोई वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम भी पीडीडी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इनकी इस देरी शिकायत को जल्द जल्द हल किया जाए। और एक और हमारे साथ लाइन पर बनी हुई है, उनसे बात करते हैं। सलाम वालेकुम। आवाज बरसगीर में आपका खैर मुकदम है। जी अपना नाम बताइए, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, हम ब्यौरा से बात कर रहे हैं सर। जी जी सर, जो पिछले साल बर्फबारी से जो हमारे पेड़ों को नुकसान हुआ था, सेब के पेड़ों को, जी जी जी, उसके लिए सरकार ने ये हमें दिया था कि हम इसके लिए हम तुम लोगों को कुछ पैसे देंगे। हाँ, मुआवजा देने की, बिल्कुल जी, जबकि पूरे इलाके को तहसीली बिजबारा में हर एक गांव को मिल गए पैसे, बिल्कुल ब्यौरा के पेंडिंग रह गए हैं। हम गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट की वो हमारी पेंडिंग को। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है मुतलक हुकाम तक पहुंच रही है और हमारे भी यही गुजारिश है तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि जो आपकी जो ये शिकायत है इसको जल्द जल्द हल किया जाए। आवाज बात से किसी बात करने के लिए शुक्रिया। नाजिम किराम, अभी जो शिकायत हमें ब्यौरा से मौसूल हुई थी कि सारे अगर जी यहाँ बिजबिहाड़ा के सारे किसानों को जो भी जिनको भी नुकसान हुआ था 2020 की बर्फबारी की वजह से उनको जो है गवर्नमेंट ने मुआवजा दे दिया है, बट ब्यौरा के किसानों की शिकायत ये थी कि उनको अभी मुआवजा नहीं मिला। इस बारे में हमने बात की थी अभी एसडीएम साहब से, एसडीएम बिजबिहाड़ा से, तो उन्होंने यही बता दिया कि जिन गांवों का अभी पेंडिंग है तो आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले का जो है फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें जो है उनको वो पैसे दिए जाएंगे, किसी के पैसे पेंडिंग नहीं रहेंगे। तो उनका यही कहना था कि हम किसानों को एश्योर करते हैं कि कमिंग डेज में या कमिंग मंथ्स में उनको ये पैसे दिए जाएंगे। हम एसडीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमसे बात की है इस बारे में। मिली थी वो सिरहामा से मौसूल हुई थी, उनकी शिकायत ये थी कि जो सिरहामा में उमर कॉलोनी है, सिरहामा की जो उमर कॉलोनी है वहां पर जो है बिजली के खंभे नहीं है और तार, अगर वहां पर बिजली के खंभे नहीं है बट तार है जो जमीन पर गिरी है, जिसकी वजह से जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनको खतरा लाहक है कि हो सकता है कि कभी भी करंट लग सकता है, कोई भी इसका शिकार बन सकता है। वो पीडीडी महकमे से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस संगीन मसले की ओर देखे, इनकी शिकायत जो है वो जल्द जल्द दूर करे। और एक शिकायत जो हमें, अस्सलाम वालेकुम, आवाज बरसगीर में आपका खैर मुकदम है। जी अपना नाम बताइए, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, हम आउरा है, ये इलाका पहलगाम ब्लॉक है। जी जी बताइए सर। तहसील हमारा सदर आता है। जी अपना नाम बताइए सर पहले, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डिमांड है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं जी सर। ये हॉस्पिटल हमारा यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर आउरा। जी जी आउरा ब्लॉक सदर के तहत आता है। जी हमारे यहाँ 4 महीने पहले एक डॉक्टर साहब पोस्टेड हुए थे जी, लेकिन कल ही उसका ऑर्डर निकाला गया जी और उसको वापस भेज दिया गया कहीं बिजबिहाड़ा में। तो मुझे जिस डॉक्टर को वहाँ पर अपॉइंट किया गया था उन्होंने क्या ज्वाइनिंग की थी वहाँ पर? ज्वाइन किया था बिल्कुल, उसका डायरेक्शन ऑफिस से ऑर्डर आया था, बिल्कुल पोस्टिंग उसकी यही थी। जी जी तो अभी कोई डॉक्टर नहीं है, उसके बदले में किसी और डॉक्टर को नहीं भेजा गया? यहाँ पे पब्लिक की डिमांड है कि उसी डॉक्टर साहब को यहाँ पे जी वापस तैनात किया जाए। जी जी आप उनका नाम बता सकते हैं डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब यहाँ पे रफाकत हुसैन
हमारे वो लोकलिटी के डॉक्टर थे। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ पे मतलब ड्यूटी हर दिन लगती थी, वो आते थे हर दिन जी, पेशेंट के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मीन्स वो अपनी ड्यूटी जो है बखूबी अंजाम दे रहे थे। हाँ दे रहे थे बिल्कुल अच्छी तरीके। तो इसीलिए आप उसको जो है दोबारा वहीं पर उनको तैनात करना, वहीं पर जो है उसको दोबारा लेके आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम जो है बीएमओ सल्लर के नोट्स में इस शिकायत को लेके आ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा। हमने बीएमओ से बात की थी जी जी, इंफरादी तौर पे भी हमने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सीएमओ साहब ने ऑर्डर निकाला था जी, लेकिन सीएमओ साहब के साथ हमारा रब्ता नहीं हो सका जी। सोचे कि चलो आपकी वसादत से जी बिल्कुल, हम आपकी बात जो है सीएमओ साहब तक भी आपकी शिकायत को लेके जाएंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आवाज बरसेगी से बात करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन किराम, जो शिकायत हमें अवरा सलर से जो शिकायत हमें मिली थी कि वहां पर जो डायना डॉक्टर, जिस डॉक्टर को वहां पर अपॉइंट किया गया और बाद में इसको उसकी ट्रांसफर की गई कहीं और, उसको ट्रांसफर किया गया, इस शिकायत को हम बीएमओ सलर के नोट्स में लेके आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। तो इन अवरा के लोगों की जो शिकायत है उनकी शिकायत का अजाला कैसे हो सकता है। हेलो, सलाम वालेकुम, आवाज बर सकी मैं आपका, खैर मुकदम है जी सर। एक शिकायत आई है हमें अवरा से, जिस डॉक्टर की वहां से ट्रांसफर की गई है रफाकत हुसैन, वो बता रहे हैं कि उसी डॉक्टर को दोबारा वहाँ भेजा जाए, इस बारे में आपका। नहीं, उसको कुछ दिनों के लिए बिजबहरा भेजना था ट्रामा हॉस्पिटल जी जी जी, कोविड हॉस्पिटल जी जी जी। अब मैंने सेमो साहब के साथ डिस्कशन करके जी उसकी वो कैंसिल करवाई। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, इस बारे में हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। बीएमओ सलर जो हमें बता रहे थे, एक शिकायत इससे पहले आई थी अवरा के बारे में, ये बता रहे थे कि अब जो है उसकी ट्रांसफर, जिस डॉक्टर की मांग अवरा के वासनदे कर रहे थे, उस डॉक्टर की ट्रांसफर को जो है रद्द किया गया, अब उसको दोबारा जो है उसकी ड्यूटी दोबारा अवरा में ही लगाई गई है। तो हम बीएमओ सलर का भी शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमारी बात सुन ली और लोगों की बात सुन ली और इस शिकायत को और इस प्रॉब्लम को जल्द अज जल्द हल किया। नाज़रीन किराम, ये थे कुछ कॉलर जिनसे हमने आज बात की और उनकी शिकायत को जाना, और हमने जो है मुतल्लिका हुकाम से बात करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी बात कुछ महकमे के अहदेदारान के साथ नहीं हुई। अगर कल हमारी बात हो रही है उनसे, तो इंशाल्लाह कल हम उनसे उनके नोट्स में ये बात, ये शिकायत जो है लेके आ जाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं हर इतवार दिन में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत को मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले इतवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आवाज बरसगीर, योर वॉइस, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। We are presenting a special program, Hum Kalam. Our chief guest is Senior and Special Cardiologist, Dr. Tasleem Arif. Must watch our special program, Hum Kalam. Awaaz Barsagir, Aapki Awaaz, Bezubano Ki Zuban. Awaaz Barsagir, Pesh Karte Hain Ek Special Program, Hum Kalam. Hamare chief guest honge, सीनियर एंड स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तस्लीम आरिफ। प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, हम कलाम।